Hello dear students, this is your geography assignment number 2 and today we will discuss chapter number 9, energy and power resources. So first of all, come to the back exercise of this chapter. We have answer in one or two sentences. So first question is, for what purpose is solar power used? So solar power ko hum kis purpose ke liye use karte hain? To iska jo answer hai wo hai aapke solar power ke paragraph mein. सोलर पावर को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और इसको स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज़ करते हैं, वाटर पंपिंग में भी यूज़ करते हैं, डीसेलिनेटिंग सॉल्टी वाटर, चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस, एंड पावरिंग ट्रैफिक एंड रेलवे सिग्नल्स. सो इन सारी चीज़ों के लिए हम सोलर पावर्स को यूज़ कर सकते हैं. बट हम आंसर में लिख सकते हैं, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटनिंग, वाटर पंपिंग एंड चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज हाइड्रो पावर जनरेटेड? सो हाइड्रो पावर को कैसे जनरेट करते हैं? इट इज़ जनरेटेड एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स. हाइड्रो पावर जो वाटर से पावर बनती है वो कहाँ पर जनरेट होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में जो हाइड्रो पावर है वो जनरेट होती है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द कंट्रीज डेट लीड इन विंड पावर प्रोडक्शन. सो विंड पावर की प्रोडक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज लीड करती हैं? सो विंड पावर में जो कंट्रीज लीड करती हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड पावर आर चाइना, द USA, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया. सो वो कौन कौन सी कंट्री हैं? चाइना, USA, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया, यहाँ पे विंड पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम द टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए हमें पेट्रोलियम वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. सो पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल, इट ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. सो पेट्रोलियम को ही हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. अब इसके कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? द टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर सऊदी अरेबिया, द USA, रशिया, चाइना एंड ईरान. सो ये कंट्रीज पेट्रोलियम के, मतलब कि क्रूड ऑयल के मेन प्रोड्यूसर्स हैं. सो यू विल राइट द आंसर एज, द टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर सऊदी अरेबिया, द USA, रशिया, चाइना एंड ईरान. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम द इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया. सो इंडिया में इम्पॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो जहाँ पे वाटर हो जाए, डैम्स हो, वहाँ पे किए जाते हैं, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए हमें डैम्स चाहिए होते हैं. तो कौन कौन से डैम्स हैं? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल डैम, फरक्का बैरेज, सरदार सरोवर डैम एंड इदुक्की डैम. सो ये इंडिया के इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं. सो द इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया आर भाखड़ा नंगल डैम, फरक्का बैरेज, सरदार सरोवर डैम एंड इदुक्की डैम. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. आंसर इन अ पैराग्राफ और टू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर पावर. सोलर पावर पे एक शॉर्ट नोट देना है. सो व्हाट इज सोलर पावर? Solar power is derived from the solar energy which is a freely available sources of energy originating from sunlight. So solar power वो वाली power है जो solar energy, जो solar मतलब sun की energy से हमें मिलती है. तो sun इसका main source होता है और ये free होती है. This is free to use. It is one of the important non-conventional sources of energy because it is non-polluting. So ये एक बहुत ही conventional source of energy है क्योंकि इसमें कोई भी जो pollution है वो नहीं होता. तो इसका आंसर आपको लिखना है, सोलर पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी विच इज़ फ्रीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सनलाइट. Okay, it is one of the important non-conventional sources of energy because it is non-polluting. So that's all for today.